हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो रिले है ओवरकरंट अर्थफॉल्ट रिले, जो कि CGI-14N है, इसका हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओवरकरंट एंड अर्थफॉल्ट को प्रोग्रामिंग करेंगे और इसमें ट्रिप टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये ट्रिप टेस्ट होता है कि नहीं, और साथ ही साथ इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सर बने रहें और देखिए कि इस CGI-14N को हम कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये CGI-14N मॉडल कुछ इस प्रकार है कि ये जो CGI-14N है, ये नॉन कम्युनिकेशन रिले है क्रम्पटन ग्रीव्स के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जैसे हम इस प्रोग्राम में एंटर करते हैं तो इसमें मेजरमेंट्स का आता है। मेजरमेंट्स के नीचे जाएंगे तो PF सेटिंग, जो कि फेस फॉल्ट सेटिंग्स हैं, फेस फॉल्ट सेटिंग्स को एनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए भी दिया है। तो एनेबल करने के बाद इसमें हम सेटिंग्स करेंगे। तो सेटिंग्स करने से पहले से पासवर्ड मांगता है फ्रेंड्स। तो पासवर्ड में इसका है 002, तो हमें 002 पासवर्ड हमें पुट करना है। पुट करने के बाद I > का वैल्यू सेट करना है, जो कि फेस फॉल्ट करेंट है, जिसका करंट का वैल्यू आपको सेट करना होता है। इसका लिमिटेशन दिया है 5% to 200%, 5% से लेके 200% के बीच में आपको सेट करना होता है। तो इसका सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 50% सेट करूँगा, तो उसी के हिसाब से सब सेट होता है आपके सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम PF सेटिंग, जो कि फेस फॉल्ट सेटिंग्स, I > कर्व है, इसको कर्व सिलेक्शन करना होता है हमें। तो स्टैंडर्ड इनवर्स 1, स्टैंडर्ड इनवर्स 3, डिराइव टाइम DT, LTI लॉन्ग टर्म इनवर्स, EI एस्टिमेटेड वेरी इनवर्स। तो इसमें आपको सेट करना है कर्व को, कर्व के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे TMS, तो I > का TMS आपको सेट करना है। तो TMS का वैल्यू आपका 0.02 से लेकर 1 तक रहेगा। तो 1 होने के बाद फिर TMS सेटिंग होने के बाद DT डिले, मतलब डिराइव टाइम जो आप अगर कर्व सिलेक्शन करते हैं तो उसका डिले आपको सेट करना होता है फ्रेंड्स। तो कितना डिले रहेगा उसका सेट करना होता है। तो नेक्स्ट हम नीचे जाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सेटिंग करने के लिए हम इसमें 0.0 से लेकर 99.9 सेकेंड तक हम डिले सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह इसका ओवरकरंट का प्रोग्रामिंग है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम जाएंगे I > जो कि इंस्टानियस ओवरकरंट होता है, उसको एनेबल करने के लिए हमें इसमें एनेबल करना होता है। फिर ट्रिप टेस्ट डिसेबल, ये बैक होगी फ्रेंड्स। अच्छा, एनेबल करने के बाद सेटिंग्स में आप जाएंगे, I > सेटिंग्स, इसमें आपको सेट करना है I > का वैल्यू सेट करना है। तो इसका लिमिटेशंस फ्रेंड होता है 50% to 600%, और इसका I > का डिले होता है 0.3, इसमें आप डिले भी सेट कर सकते हैं I > का 0.10 0.30, इसी के अकॉर्डिंग। तो जनरली इसमें आप इसमें डिले सेट कर सकते हैं, नहीं भी सेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर ट्रिप टेस्ट डिसेबल, ट्रिप टेस्ट इज ऑफ कंडीशन, इसको एंटर करने बाद ट्रिप टेस्ट डिसेबल है। इसको वैल्यू चेंज करने के लिए हमें फिर डाउन बटन प्रेस करना है, जो कि ये बटन है, देखिए फ्रेंड्स, डाउन बटन प्रेस किया, उसको एंटर करने से ये ट्रिप टेस्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिप टेस्ट हो गया। तो इसी तरह इसका ओवरकरंट का सेटिंग्स हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अर्थफॉल्ट का सेटिंग में और देखेंगे कि अर्थफॉल्ट का सेटिंग किस तरह होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये CGI-14N का अर्थफॉल्ट सेटिंग्स है। तो इस सेटिंग्स को एंटर करने के लिए हम डाउन बटन प्रेस करेंगे, सॉरी एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो एंटर बटन, I > प्रोटेक्शन एनेबल, अच्छा एनेबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अर्थफॉल्ट सेटिंग्स, I > 0, जो कि आपको सेट करना होता है, जो कि अर्थफॉल्ट का सेटिंग्स है। तो उसका भी कर्व सिलेक्शन भी आपको करना होगा अर्थफॉल्ट का। उसके बाद इसी तरह ओवरकरंट का सेटिंग्स के हिसाब से ये सब है, और इसमें अर्थफॉल्ट का सेटिंग्स आपको सिटी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो इसी तरह इसका
फ्रेंड्स है, तो उसका TMS मैंने सेट कर रहा है। अर्थफुल सेटिंग डिराइव टाइम डिले, इसमें डिराइव टाइम भी आप सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अर्थफोल्ड का डेफिनेट टाइम, इनकेस आप अर्थफोल्ड को डेफिनेट टाइम में रखें तो उसका आप डिले टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिले टाइम सेट कर रहा हूँ। आई ग्रेटर देन I0 ग्रेटर देन प्रोटेक्शन, इसमें इंस्टेंटेनियस अर्थफोल्ड भी है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप सेट कर सकते हो, एनेबल डिसेबल कर सकते हो अर्थफोल्ड सेटिंग करने के लिए। फिर आपको इसका सेटिंग्स करना पड़ेगा, तो इसका सेटिंग्स है 50 to 600% तक I0 ग्रेटर देन इंस्टेंटेनियस अर्थफोल्ड, तो इसमें आप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट I0 ग्रेटर देन डिले, इसका डिले आप सेट कर सकते हो कि इंस्टेंटेनियस अर्थफोल्ड का डिले आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर I>0 आई, फिर इसको अर्थफोल्ड टेस्ट करने के लिए फिर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, एनेबल है। उसके बाद देखिए ट्रिप इंडिकेशन हुआ, एस्केप बटन प्रेस करने से ये रिसेट होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह इसका प्रोग्रामिंग हुआ फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अर्थफोल्ड का सेटिंग हमने कर लिया है और अवाकरेंट का सेटिंग भी हमको आपको बताए हैं। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स।